का वेलकम। तभी हम लोग डिडक्शन वाला लिस्ट वाला शॉर्ट नोट भी पढ़ रहे हैं, तुमको ये सब सम्स के नीचे मिलेगा कौन सा डिडक्शन क्या आता है। इतने सारे डिडक्शन ATC CCC DDD E आ जाओ, तो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 है, तो ATC का अगर शॉर्ट नोट ज़्यादा ये उठा के डालना पड़ेगा। ओके, तो ATC का लिमिट है 1.5 लाख। ATC का लिमिट कितना है? 1.5 लाख, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आता है, प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, NSE, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, LULIP, यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। डिडक्शन मतलब कटौती कम होगा, ट्यूशन फीस, प्रिंसिपल पेड ऑफ हाउ होम लोन, मतलब जो भी होम लोन का प्रिंसिपल है ATC में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बट लिमिट 1.5 लाख है। पेंशन फंड, होम लोन अकाउंट फॉर नेशनल हाउसिंग बैंक, ये सब डिडक्शन में आता है ATC में आता है, राइट। और ATCCC में क्या आता है बच्चों लोग? कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। जो भी पेंशन फंड है ना वो CCC में आता है पेंशन फंड का, और उसकी भी लिमिट कितना है? 1.5 लाख है। ओके, 1.5 लाख से ज़्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा। और एक आता है ATD, तो ATD में क्या आता है? मेडिकल इंश्योरेंस आता है बच्चों लोग। क्या आता है? मेडिकल इंश्योरेंस। तो मेडिकल इंश्योरेंस का कितना है? अपना इंश्योरेंस कराता है 25,000 लिमिट है, और कोई सीनियर सिटीजन है, कोई दादाजी है 60 साल की उम्र है, तो उसका लिमिट 50,000 है। कितना मिलेगा? 25,000 और ये किस में आता है? ATD में आता है। ATD में क्या आता है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड करके रहेगा, ठीक है। और ATDD ये हैंडीकैप के लिए होता है। किसके लिए होता है? हैंडीकैप। तो उसका दो कंडीशन है, अगर 80% से कम है बंदा है SSC हैंडीकैप, 80% से कम है, तो उसको कितना लिमिट है? 75,000 माफ होगा। अगर बंदा हैंडीकैप है, डिसेबल है, तो 80% से कम है तो 75 डिडक्शन मिलेगा, और 80% से ज़्यादा है तो 1,25,000 माफ होगा, 1,25,000। फिर ATE से बोलेगा तो एजुकेशन, तो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन, एजुकेशन लोन का जो भी इंटरेस्ट पे करता है पूरा अमाउंट डिडक्शन में का, कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, ATE में आएगा। और ATTA टकला है, मतलब इंटरेस्ट ऑन सेविंग, ये टैक्सेबल भी है और डिडक्टेबल भी है, मतलब उसको टैक्स भी शो करना है अदर सोर्स में, और उसको डिडक्शन में भी डालेंगे 10,000। 10,000 लिमिट है, 10,000 से ज़्यादा आएगा नहीं, जो छोटा वो लेंगे। और ATTB फिक्स डिपॉजिट का 50,000 लिमिट है, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट 50,000 तक डिडक्शन में तुम लोग डाल सकते, 50,000 तक डाल सकते। और ATU क्या है? ये हैंडीकैप है। कौन हैंडीकैप है? ये बंदा, मतलब कैसे? ATDD क्या था? डिपेंडेंट था। कौन था? डिपेंडेंट। डिपेंडेंट का मतलब होता है जो SSC उसका दोस्त, उसका भाई, घर वाला कोई रहेगा। और ATU में कौन रहेगा? खुद SSC हैंडीकैप रहेगा। लिमिट सेम ही था, 80 से कम 75,000, 80 से ज़्यादा तो 1,25,000। डिसेबिलिटी ATU में आएगा। ये तुम्हारा डिडक्शन का लिस्ट था। ओके, तो इसको अच्छे से तुम लोग याद कर लेना, तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। और एक बात बोलने का था, बाकी सब जितो भी जो भी है अदर सोर्स वाला पढ़ा दिया, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल पढ़ा दिया, सब शॉर्ट नोट मैंने अपलोड कर दिया ताकि तुमको अच्छे से सुन के, और ये सब शॉर्ट नोट से ही तुमको ऑब्जेक्टिव्स मिल जाएगा, 40 मार्क्स का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, लव यू ऑल।